गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट एंड मेजरमेंट में आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की फिटनेस के लिए किए जाने वाले टेस्ट की, जिसका नाम है रिक्लाई एंड जॉन टेस्ट। देखो, इस टेस्ट की हिस्ट्री जो है वो इतनी पुरानी नहीं है। 2001 में ये टेस्ट डिस्कवर किया गया था। इस टेस्ट को डिस्कवर किया था, देखो, फुलर्टन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया। अब ये सिटीजन टेस्ट देखो, जैसे फिटनेस तो सभी के लिए जरूरी है, नहीं कि कोई यंगस्टर है तो उन्हीं के लिए फिटनेस वैल्यूएबल है। फिटनेस जो है वो ऑल पर्सन के लिए भी वैल्यूएबल है। वो अपने जो उनके डेली रूटीन के वर्क हैं, इवन उनकी कॉम्बिंग है, उनका जो ड्रेस है, या फिर जो भी उनके डेली रूटीन के वर्क है, उनका लंच डिनर, जो भी काम वो करना है वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आसानी से कर सके, तो उसके लिए उनकी जो फिटनेस है वो मेजर करना हमारे लिए जरूरी है। तो रिक्लाई और जॉन्स नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीनियर सिटीजन की फिटनेस के लिए टेस्ट दिया। ये टेस्ट छह छोटे छोटे टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। उन सिक्स टेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, दिस टेस्ट डेवलप इन 2001, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्टोन टेस्ट। ओके, दिस टेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग सिक्स टेस्ट। इसमें छह टेस्ट की एक बैटरी है। तो वो टेस्ट कौन कौन से है? सबसे पहला है चेयर स्टैंड टेस्ट। ओके, चेयर स्टैंड, चेयर पर आपको क्या करना है, बैठना है और फिर खड़ा होना होता है। तो देखो, ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है टू एग्जामाइन द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स। ओके, आपकी लेग्स की जो मेजर, आपके जो लोअर बॉडी पोर्शन है सीनियर सिटीजन का, उनकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट किया जाता है, जिसमें 44 सेंटीमीटर हाइट की एक चेयर होती है, जिस पर जो भी ओल्ड पर्सन है जिसकी आपको बॉडी की फिटनेस देखनी है, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कहा जाता है। स्ट्रेंथ करना होता है उसे, पर पहले वो बैठेगा, सिटिंग करेगा चेयर पर, फिर स्ट्रेंथ करेगा। और स्टैंडिंग पोजीशन में उसकी जो आर्म की पोजीशन है वो उसके शोल्डर्स पर इस तरह से क्रॉस में होगी, आप पिक्चर में भी उसे देख सकते हो। तो उस क्रॉस पोजीशन में ही उसको सिट एंड देन स्टैंड एंड सिट करना होता है। 30 सेकंड तक उसको टोटली प्रोसेस करनी होती है। उसके बाद सेकंड टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म को कर्ल करके दिखाना होता है। ये टेस्ट भी चेयर पर ही होता है और ये सिटिंग पोजिशन में होता है। आर्म को कर्ल करने के लिए मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अब जब आपने चेयर स्ट्रेंथ से लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ देखा था, अपर बॉडी का स्ट्रेंथ मेजर करना है, आर्म कर्ल टेस्ट किया जाता है। और बैठ, सीनियर सिटीजन बैठता है 4 सेंटीमीटर हाइट की चेयर पर, और उसको जो वे है वो दे दिया जाता है हाथ में, उसको पूरा एक कर्ल इस तरह से करना होता है, पूरा एक कर्ल 30 सेकंड तक वो कितने कर्ल कर लेता है, तो ये मेजर किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड टेस्ट है चेयर सेट एंड रिच टेस्ट। ओके, चेयर पर बैठना होता है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर पोजिशन होती है, वहां तक रीच करना होता है, फिर वापस उस पोजिशन पर आने के बाद फिर से चेयर पर सेट करना होता है, और ये प्रोसेस 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। देखा जाता है कि 30 सेकंड में उसने कितने रीच एंड सेट कंप्लीट किए हैं। ओके, और ये जो टेस्ट है, थर्ड टेस्ट, ये किया जाता है एग्जामाइन द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, कि उसकी जो लोअर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ तो मेजर कर ली हमने, फ्लेक्सिबल कितनी है उसकी लोअर बॉडी, उसके लिए हम थर्ड टेस्ट अप्लाई करते हैं। उसके बाद फोर्थ टेस्ट की अगर बात करें तो बैक स्ट्रेच टेस्ट कहलाता है। अब उसकी जो अपर बॉडी है उसकी स्ट्रेच करना है, बैक की स्ट्रेचिंग देखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, तो उसके लिए स्टैंडिंग पोजिशन में किया जाने वाला टेस्ट है। स्टैंडिंग पोजिशन में जो उसका एक आर्म है, ठीक है, वो अप साइड डाउन जाता है, बैक साइड की तरफ जाता है, और जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है बैक में, उतनी कवर करता है वो हैंड, और बैक से बिल्कुल टच लेना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा हैंड है वो फिर पीछे की तरफ जाएगा, और उस हैंड को आप टच करने की कोशिश करेगा, जिससे उनकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी आप देख सकते हो। पिक्चर में आपको अच्छे से क्लियर होता है किस तरह ये परफॉर्म किया जाता है। अब फर्स्ट टेस्ट है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ओके, 8 फीट की दूरी तय करनी उसमें वॉक करते हुए। ओके, एक पर्टिकुलर 8 फुट के डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि कौन लग दिया जाता है या कोई भी माइलस्टोन लग दिया जाता है, उस 8 फुट तक पहले चेयर पर बैठा होगा ऑल पर्सन, फिर जैसे गो का साइन होता है वो खड़ा होता है और उस मैक्सिमम 8 फुट की डिस्टेंस तय करता है, फिर से टर्न होकर और अपनी चेयर पर आकर बैठता है। तो ये कितने टाइम में उसने ये पूरा राउंड किया है, 8 फुट तक जाना और लौट कर वापस आना, तो उस टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग उनकी जो एजिल है, जो फुर्ती है और जो कोऑर्डिनेशन है उनकी बॉडी का, वो मेजर किया जाता है स्ट्रेच के थ्रू। अब बात कर लेते हैं सिक्स टेस्ट की, 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब 6 मिनट तक वॉक करनी होती है, इसके लिए कंडीशन क्या है, 45 मीटर का वॉकिंग एरिया होता है इन अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 20x5 मीटर। ओके, 45 मीटर तक वॉक करनी होती है रेक्टेंगुलर एरिया में, पर्टिकुलर मार्किंग की जाती है 20x5 का
रेक्टेंगुलर जो एरिया है उसका एरिया 25 मीटर का होता है, वहां पर उसे 6 मीटर वॉक करनी होती है पर्टिकुलर ओल्ड एज पर्सन को, और उसके अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग की जाती है कि 6 मिनट में उन्होंने कितना एरिया कवर किया है. ओके, तो ये तो था क्लाइंट जॉन्स का टेस्ट जो कि अप्लाई किया जाता है ओल्ड एज पर्सन के लिए उनकी बॉडी की फिटनेस मेजर करने के लिए. ये हमारे टेस्ट और मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक था. इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ छोटा सा जो अभी इसी साल ऐड हुआ है, उसको भी हम कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.